क्या चीज भेजी दीपक चू पत्थर को अच्छा जहाँ बड़ा बात बोल रहा अच्छा अच्छा दीपक बड़ा मेरी यू तो बजरंग बली लगना नहीं ना कि काल पहरा हो ना सही हनुमान जी छे पर ये अभी पूरी नहीं छा कोई तो पूछो मैंने बोली पूरी नहीं मूर्ति है अच्छा अभी और बढ़िया और डिटेल लाना है पूरी मूर्ति वो जो मैं तुम तो फोटो भेजी छे भगवती की अरे गणेश की जागो उत्तराखंड में अगर हमारी मूर्ति का प्रदर्शन होगा जितना भी मतलब जो है कि हमको उस इसका मुआवजा मिलेगा या दिहाड़ी मिलेगी जो भी मतलब पैसा मिलेगा हम उसमें खुश हैं। दोस्तों आज मैं बैठा हूँ अपने गृहनगर पौड़ी में सर्किट हाउस मोहल्ला है। यहाँ पर हमारे साथ सोहनलाल भाई जिन्हें हम मोहल्ले के लोग प्यार से डैनी भाई बोलते हैं। तो डैनी भाई यहाँ पर तीसरी पीढ़ी उनकी यहाँ पर रह रही है। उनके ताऊजी भी एक शिल्पकार थे, उनके पिता भी शिल्पकार थे, वो भी पत्थर की चिनाई का काम करते थे। डैनी भाई शिल्पकार के साथ साथ धामी भी हैं, मतलब देवी देवताओं को नचाते भी हैं और साथ में मूर्तियाँ भी बनाते हैं और काफ़ी मंदिर भी इन्होंने बनाया, बड़े बड़े गुंबद बनाए हैं। तो ये हथौड़ी और छेनी से, मतलब ये हस्तकला है एक तरीके से, मशीनों से बनी हुई मूर्तियाँ नहीं हैं, ये हाथों से बनी हुई जैसे पुराने ज़माने में बनती थी। और ये कला जो है बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है आजकल। एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि राजस्थान और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ की जो शिल्प कला है उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन जो उत्तराखंड की शिल्प कला है जिसमें पुरानी शैली के जो मंदिर बने हैं, जो मूर्तियाँ बनी हैं, वह विलुप्त हो रही है और उसका देखा जाए तो इतना मार्केट है नहीं। तो इस बारे में हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि पौड़ी जहाँ जो कि अनुसूचित जाति के लिए एक रिज़र्व सीट है और पिछले 15-20 साल में पौड़ी में ज़्यादातर जो विधायक या नगरपालिका अध्यक्ष वगैरह वो अनुसूचित जाति से रहे हैं, तो कितना फ़ायदा मिला है एक असली अनुसूचित जाति का, एक असली मिस्त्री परिवार के एक युवा को जो उसका यौवन था उसने इस कला को समर्पित किया और आज कैसा महसूस कर रहा हो। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार की मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं, उनकी कला पर भी थोड़ी निगाह डालेंगे। डैनी भाई नमस्कार, आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों तक दे दिया कि आप, हम तो डैनी भाई बोली था, आप तो बचपन से जड़ना तो यू जो आप शिल्पकला करना, आप अपने बारे में बताओ। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम एक तरह मेरी खोज में आया और जो इन कला पर जो तुम अग्नि मतलब जो कि शोधन करना चाह मतलब जो अग्नि कर लिया। अब यह कला ही नहीं बोला कि यह हमारे पुराणों की एक विरासत जो हमारा पुराना छा, हमारा ताऊ जी छा बहुत खतरनाक कारीगर छा पत्थर का, तो उनसे हमारे देखा नहीं चाहो पर उनका मेरा पिताजी बोलता था कि हमारा बहन छा कलाकार छा, वो मेरे दिमाग में वो बात है, तब मैं ढूंढा ढूंढी लयो तो कलाकारी करी मैंने। तो पहली कला वो नहीं हुई, वहाँ के बाद में जब कला भाई बोला फिर क्यों वाले सर मंदिर में महंत जी सन अभय चैतनंद जी उन में तो बोले वो मैंने मूर्ति बनाई नहीं पत्थर को कारीगरी करी। फिर उन जो उन्होंने भी बहुत प्रयास करी, लेकिन फिर जो दैनिक जागरण बोला है नहीं अमर उजाला बोला है नहीं, उन्होंने मेरी फ़ोटो निकाली अखबार में, मेरी फ़ोटो भेजी सब कुछ हुए, लेकिन वो अखबार ही तक सीमित रहेगी। अब एक गरीब आदमी अगर कलाकार का कोई कलाकारी करना चू और भी कलाकारी में भी मतलब जो वहाँ को बहने फिरने में नो भेदे और पत्थर सबसे बड़ी चीज़ कि पत्थर की मूर्ति के बराबर शुद्ध मूर्ति क्या चीज़ की नहीं छो। यानी आजकल जब जो चूस कई प्रकार की मूर्ति बनी सन पर पत्थर तो पत्थर ही छो। अब जन धारी देवी में चल जाओ तुम तो वहाँ पत्थर की मूर्ति छो। फिर वहाँ के बाद मैंने जो चूस नंदा देवी को मंदिर बने क्यार को 21 फुट घूमा छा कि वो घूम माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति बने, भैरवनाथ की मूर्ति बने, हनुमान की मूर्ति बने दिहाड़ी पर सबसे बड़ी चीज़ यह आज कि इन कला की जो खोजनी छो और हमारी जो कला छ ये खत्म होनी छो।
जो कुछ हम करना चाह बहुत कम छन लोग बजा और सब उन कई कलाकार भी छन करना छन कोई लकड़ी पर करनू छू अब हम तो पत्थर पर करदा पत्थर पर ही न करदा हम कि छीणे थोड़े से कील का औजार बनाया छन हमारा तुम्हें सरकार से भी अपनी एक विनती करी है कि थोड़ा मेरे आर्थिक सहायता मिल जाए जरा अब जिन एक आध मशीन जन ड्रिल मशीन होंगी कटर मशीन होंगी वहाँ में तो जरा सहायता मिल जा आराम मिल जाऊँ इन करी तो मैं अपना काम तो करूँ छू। अच्छा भाजी इन बता कि आप धामी भी चामिन सुनी मैं धामी भी छो बोला तो मतलब आप देवता न चाह देना बोला इन चीज में दुनिया में जानू छो प्लेन्स तक भी जानू छो मैं। अच्छा मैं तो सब मतलब तुम्हारी आशीर्वाद से सब जानना छन और फिर जो हमारे उत्तराखंड में जो ये देवी देवताओं की बात ची घर घर में देवी देवता छन डोंड थाली छ हमारी हमारी चाफल छू त्रिशूल छन शंख छ तो अपना देवताओं की हम जो चुकी देवताओं का मतलब जो चुकी अब कई जगह ये नहीं चले कि देवी देवता कुछ नहीं होना लेकिन जब घर घर में देवी देवता नचना छन मंदिर बनना छन तुम्हें धामे भी छोड़ा गिर जाएगा। हाँ ये मतलब एक तो आप धामी चाह मतलब आपको देवी देवता दड़ी कनेक्शन जी और वहाँ का बाद मूर्ति भी बनाना चाहते मतलब कुछ ना कुछ मूर्तियों में एक एक इन आदिम का हाथ से बननी चाहूँ मूर्ति की जो को देवी देवता दड़ी कनेक्शन चाहिए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात चाहिए। अभी बड़ी बात पीछे बोला और फिर दूसरी बात यह कि मैं इन चुनाव कि यह हमारी कला जो छू यह लुप्त तो नहीं हो यह कला ख़त्म नहीं हो। अच्छा मिन सुनी ये बारे में आप पूर्व मुख्यमंत्री हमारा मेजर जनरल खंडूड़ी जी दगड़ी भी मिला हाँ उनसे भी मिले के छो मैं तो ये नहीं याद नहीं कि तारीख कद अच्छा है सन के छो माधवर भाई छा उबर ये समाज कल्याण में उपाध्यक्ष आई यूं के जरिए से यूं बोल छो कि जरा खंडूड़ी जी था तुम मैंने कराया कि जरा एक मूर्ति भेंट कर दिया मैं दुई मूर्ति लिखी बोला मंच पर मेरे जो जू तेने मतदान करी सन सरकार द्वारा कुछ सहायता मिली हुई मूर्ति कुछ नहीं मिली वो बोले कि देहरादून से कर ला हम पर देहरादून बेटे भी नहीं बेचा कि अभी तक उसी तक साल होगी नहीं हम उनको फिर हिमाती हार दी कुछ नहीं दे कुछ नहीं मिली और दुई मूर्ति मेरी ऊँ दी सन जबकि खंडूड़ी जी जो है कि मतलब जो कि वो भी पौड़ी का छन मैं भी पौड़ी कुछ हूँ आप भी पौड़ा छा लेकिन मतलब जो छू इतना मतलब जो ऊन इन नहीं सोच सके कि ये गरीब आदमी मन करके बने होली और कुछ नहीं है कि दिहाड़ी देने चाहिए नहीं एक मूर्ति में कितना टाइम लगे पत्थर खोदने में। खंडूड़ी जी के अलावा कुछ जो पौड़ी का हमारा लोकल नेता छन या जो बनता छन नेता उन लोगों से मिले आप नगर पालिका अध्यक्ष तक मिली उनसे भी मिले बोला मैं क्या बोले उनसे भी बोले मैं ऊन भी अब कुछ नहीं करी गए सबने मतलब जो चूँकि इन चीज़ पर जो चूँकि ध्यान नहीं दी। अच्छा भाजी जन आप शेड्यूल कास्ट में आना ना हाँ जी हाँ अब शेड्यूल कास्ट में ही हमारा पिछला काफ़ी 15-20 साल से या तो श्रीनगर विधानसभा या पौड़ी विधानसभा या नगर पालिका की सीट रिजर्व रहनी हाँ और यू जो विधायक लोग बननी यूं का बाल बच्चा तो सेट होगी नहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगे हैं कोई प्रोफेसर बने हैं कुछ कुछ बने हैं सही बात क्योंकि जुद का भी क्वालिफिकेशन चाहे तो अलग प्रश्न छू हाँ सही बात है लेकिन जन आप एक उछन कि आप क्या कर दें कि आप रिप्रेजेंट कर दें जो असली शिल्पकार छ जो असली एक जो हमारे जो प्रतिभावान जो हमारे एक वर्ग छो जो हमारा पहाड़ी समाज को जो हमें शिल्पकला भी है जो हमारे संगीत की विद्या भी है तो आप वहाँ रिप्रेजेंट कर दें कि लगे आप दुई के दुई काम दगड़ी कर दें हाँ सही बात बोला तो ये हिसाब आप कुछ मतलब लगी चे कि यूं के होन से कोई फायदा मिली हो कि भाई शेड्यूल कास्ट में वो रिजर्व सीट चलनी चाहिए तो उन कुछ करी चाह होता है मेरा दिमाग में इंसा बोला यूं अगर कुछ कर दा तो मेरी आज मैं बहुत पहली बेटी बनाना चाहूँगा मूर्ति में धामी में बाद में हुई हूँ दगड़ी दगड़ी में लेकिन मैंने अपने घर में जब पत्थर की मूर्ति बने नहीं मैंने सोची छो कि कुछ मेरे आर्थिक सहायता मिल जा मैं कह रोड साइड पर एक दुकान टाइप करो जो बेरोजगार छन वो तो मैं कला सीखो मंदरवाल जी छा सुंदरलाल मंदरवाल जी छा विधायक छा जबरी एक मूर्ति दिखाने मुझे सर्किट हाउस में गए छो तो ऊन जो चुकी ऊन करी छो तो ऊन करी छो कि नियमानुसार इसको आर्थिक सहायता दी जाए फिर भी समाज कल्याण में गयो तो ऊन बोले भाई तो लून मिलू
मैंने बोले मैं लून मिलूँ तो मैं गरीब आदमी समझ, जब लून जी लेना, जब मैं लून जी लेना तो मेरे कलों को फायदा क्या है। यूँ लोगों तक सोचना चाहिए कि जो एक हमारा जो अब वो मेन पौड़ी में सर्किट हाउस में रह गए थे, और इतना पिछले मतलब जो हमारी कोई खोज ही नहीं कोई, मतलब यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं, जबकि इन चीज़ की खोज होनी चाहिए। भैजी तुम देखे लग दू कि जो हमारा पुराना शिल्पकार था, जन आपका पिताजी आपका ताऊ जी, हाँ। बहुत बढ़िया मतलब पत्थर को काम जानता था, तो जन यू हमारी नई पीढ़ी च जन आपका बच्चा वेगे नहीं या मन्नी का बच्चा वेगे नहीं हमारा भतीजा, हाँ, हाँ, अब चल है कि यू यू काम करूँ। सब यंग तो तैयार छन, तैयार छन, तैयार छन, अच्छा, पर तैयार छन। अब जो मैं खुद कलाकार वेगद मैं मूर्ति बनाना छो, और शाम को मेरा घर में मतलब जो चौंध आठ उन्नीस एक ध्यान पर लगी स्वामी तो है दूसरो जिम्मेदारी सिखाने वालों वे ने करना मान वे तक देने मैंने, तो मेरी इच्छा है कि मैं कखी मैं एक दुकान टाइप की मतलब अपनी मूर्ति बनेगी तो हमारे रखो। परसी की बात ये जो मुख्यमंत्री धामी जी सन, तो जो हमारे वार्ड मेंबर सन यशोदा नेगी, यूँ बोले कि तुम फोटो भेजा मैं उगता, और तो मैंने कहा कि तुम कोई मूर्ति बनी बोली तुम कणोले मंदिर कणोले ऐसा परसी की बात है धामी जी उन्हें देखा, बल्कि कोई और बल्कि कोई लकड़ी का कारीगर भी सुनाना बोली उसे नाना इस मैं इले नहीं गयों बोला फोटो मैंने भेजू भेज दूंगा फोन में मिले नहीं गयों कि मेरी कला की बेचती हूँ उन्होंने सब उन देखी चल जान कन कुछ नहीं, जब मैंने जो खंडूरी जी निकल सागी तो और कह मैंने बोली सब उन्हें मतलब जो छू नज़रअंदाज कर मैं इतने औजार भी देखे न बोला कि क्या ढंग से बोलो नाउ ठीक है। आप इन्हें बता कि ये मूर्ति थे अगर हम जागो उत्तराखंड में ऑक्शन बोली लगाए यहाँ की अजद का भी बोली आली आप तैयार है लोगों को बिल्कुल तैयार हो बोला, तो हम इन करते हैं कि हमारा बहुत जागरूक दर्शक छन, हाँ जी हाँ ठीक है, और वो देश विदेशों में भी छन, हाँ जी, तो जागो उत्तराखंड के जितने भी दर्शक हैं ये बजरंग बली की जो मूर्ति डैनी भाई या शोभन भाई ये तैयार कर रहे हैं, तो इसकी आप बोली लगाइए आप कितना इसके लिए दे सकते हैं। जैसा हमने पहले भी बोला कि वो एक धामी भी हैं जो देवी देवताओं को जगाने का काम करते हैं और काल भैरव की सिद्धि डैनी भाई को प्राप्त है, तो देखिए आप कला को कला का मोल पहचानिए कितना इस कला का मोल हो सकता है, और इसका इसकी नीलामी हम जागो उत्तराखंड में करेंगे, और ये सोचिए कि ये नीलामी जो हो रही है इसमें आप उत्तराखंड का एक जो कलाकार है एक जो शिल्पकार है उसकी कला को सराह रहे हैं यहाँ पे, और उसके परिवार की आर्थिक मदद भी आप कर रहे हैं जिसको बड़े से बड़े नेताओं ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है अभी तक, और अभी हमको ये भी पता चला कि मूर्तियाँ दो दो मूर्तियाँ मुफ्त में लेके भी चल दिए एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और अभी तक उसका कोई पेमेंट नहीं आया, पता नहीं कितने साल हो गए कि इस ज़माने में मुख्यमंत्री थे। तो ये डैनी भाई खुद ही आपको बता देंगे, डैनी भाई जागो उत्तराखंड में अगर हमारी मूर्ति का प्रदर्शन होगा और जितना भी मतलब जो है कि हमको उस इसका मुआवजा मिलेगा या दिहाड़ी मिलेगी जो भी मतलब पैसा मिलेगा हम उसमें खुश हैं।